हेलो फ्रेंड्स, तो वो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और ये हमारा होगा अब जो गुप्ता पीरियड का सेकंड वाला पार्ट है वो होगा। तो गुप्ता पीरियड का मैंने पहले वाली पार्ट में हर एक चीज़ आप लोगों को बता दी है। तो उसमें पहले वाले पार्ट में मैंने आपको प्रशासन के बारे में बता दिया था, और जितने भी राजा हुए हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त, ये सब चीज़ें स्रोत वगैरह मैंने बता दिया है। हर एक चीज़ें इसमें बता दिया है, और मैप वगैरह के थ्रू भी मैंने बताया था कि किनके शासन में कितना फैला था गुप्त साम्राज्य। तो अब जो होगा ये टॉपिक तो ये होगा, इसमें प्रशासन के बारे में ही हमें देखना है। तो प्रशासन तो देख लिया है, अब अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा होगा कि इसमें सामाजिक गतिविधियां, मतलब समाज कैसा था, धर्म कैसा था, कला के बारे में इसमें बताऊंगा, और जो प्रसिद्ध मंदिर वगैरह है वो भी बताऊंगा, और साहित्य के बारे में जितने बुक वगैरह हैं ये बता दी जाएंगी। और उसके बाद होगा कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का हम कंपेयर भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे यूपीएससी में, तो ये भी बताऊंगा। और एक चार्ट के द्वारा बताऊंगा जो मेन मेन चीजें हैं इसमें, और पतन का कारण हम जान लेंगे कि आखिर में गुप्ता पीरियड पतन क्यों हो गया। उसके बाद हम आएंगे पुष्यभूति, पाटलिपुत्र, गौर, कलिंग, ये सब चालुक्य के बारे में मैं बताऊंगा, जो आफ्टर गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद क्या स्थिति बनती है, ये सब चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी उसके बाद। तो अब हम देख लेते हैं इसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी गुप्ता पीरियड की। तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखना है हमें अर्थव्यवस्था कैसी थी गुप्ता पीरियड की। तो प्रशासन मैंने बता दिया है, और इसके बाद हम अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो जो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, तो पहले की जो भी अर्थव्यवस्था होती थी, तो एंशेंट इंडिया से मिडिवल में भी आप देखेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था थी। तो पहले जितने टैक्स वगैरह लगते थे वो कृषि वगैरह पे ही लगते थे। आज आप देखेंगे कि कृषि पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पहले कृषि पे ही ज्यादातर टैक्स लगता था, क्योंकि मेनली जो प्रोडक्शन वगैरह होता था वो कृषि से रिलेटेड वस्तुओं का ही होता था। तो इस वजह से पहले कृषि के वस्तुओं पे टैक्स लगता था, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था आप देखेंगे तो वो कृषि प्रधान ही। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें भूमि कितने प्रकार की थी। तो भूमि देखना आप लोगों के जरूरी होगा, आप लोगों के लिए जरूरी होगा भूमि कितने क्षेत्र में बंटी थी। तो क्षेत्र बोला जाता था, ये क्षेत्र ही है भूमि का नाम। तो ये कृषि योग्य भूमि होती थी, मतलब इस पे कृषि की जाती थी, इसको क्षेत्र बोला जाता था इस भूमि को। और दूसरा वास्तु थी वास करने योग्य, मतलब जिस पे लोग रहते थे या फिर जिस पे घर वगैरह बनाई जाती थी, जैसे कि गांव होता है, मोहल्ला होता है, या फिर जैसे आप नगर वगैरह देखेंगे, तो वो जो भूमि थी उसको वस्तु बोला जाता था, तो इसमें लोग वास करते थे। और तीसरी टाइप की भूमि थी वो चारागाह भूमि थी। तो चारागाह आप जानते हैं कि पशु वगैरह के चारे खाने के लिए जो भूमि छोड़ दी जाती है, तो उसमें पशु वगैरह को चराया जाता है, तो ये भूमि थी तीसरी टाइप की भूमि। और चौथी भूमि थी तो सील, जो भूमि थी तो सील थी ये जोत योग्य भूमि नहीं थी, मतलब आप इसको परती टाइप समझ सकते हैं, जैसे कि जिसपे कोई भी चीज़ उपजाई वगैरह नहीं जाती है, तो उस टाइप की ये भूमि थी, ये जोतने योग्य नहीं थी, इसको सील भूमि कहा जाता था। और पांचवा है कि अपरहत, मतलब ये जंगली भूमि थी। तो जैसे आज जंगल देखते हैं तो वैसे ही ये अपरहत जो थी ये जंगल भूमि थी। तो इतने प्रकार की, पांच प्रकार की आपने भूमि देख ली है, तो ये गुप्ता पीरियड में पांच प्रकार की भूमि थी। और अब हम देख लेते हैं कि कर जो था, ये टैक्स जो इसे बोलते हैं कर, तो ये 1/4 से लेके 1/6 तक लगता था। तो अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 25% से लेके 17% होता है ये टैक्स। तो 25 से लेके 17% के करीब में आप निकालिएगा तो ये टैक्स आएगा। और कुमार गुप्त का जो दामोदर पुत्र ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र जिस पे लिखा जाता था घटनाएं, तो आज जैसे आप कॉपी का यूज करते हैं, तो वहीं पे पहले ताम्रपत्र पे कुछ भी लिख दिया जाता था। ताम्रपत्र मतलब जो तांबे का पतला सा जैसे आज पेज होता है वैसे बना के उस पे लिखा जाता था। तो ये ताम्रपत्र जो कुमार गुप्त का है, वहां से भूमि बिक्री से संबंधित अधिकारियों का उल्लेख मिलता है यहाँ से, मतलब भूमि बिक्री भी होती थी, तो उस टाइम भी भूमि बेचने वगैरह की प्रथाएं चलती थी। तो ये यहाँ से पता चलता है हमें दामोदर पुत्र के ताम्रपत्र से, कुमार गुप्त के अधिकारी का उल्लेख है, तो आप समझिए कि भूमि बिकती होगी यहाँ पे। और बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि जो थी वो दान में दी जाती थी, और ये जो भूमि दी जाती थी ये कर रहित थी, मतलब इस पे कर वगैरह उनको नहीं देना होता था। तो भूमि दान में दी जाती थी और इस पे कर वगैरह उनको नहीं दिया जाता था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों का कितना अच्छा यहाँ पे स्थिति था, कि इनको फ्री में भूमि दी जा रही है, कर वगैरह भी इनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे रोम के साथ जो इनका व्यापार का पतन होता है, मतलब रोम के साथ व्यापार का पतन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है लगभग। और दक्षिण पूर्वी एशिया से आप देखेंगे कि व्यापार, और मध्य एशिया से और पश्चिमी एशिया से भी व्यापार बढ़ जाता है। तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और
दक्षिण पूर्वी एशिया से इनका व्यापार बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन रोम साम्राज्य से देखेंगे कि आप रोमन जो साम्राज्य था उनसे इनके व्यापार का पतन होता है, और व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी, और जो इसके अध्यक्ष होते थे व्यापार के लिए तो उनको ज्येष्ठक बोला जाता था। तो व्यापार में श्रेणी व्यवस्था मतलब क्या समझते हैं, लेबल था यहाँ पे, लेबल टाइप का श्रेणी व्यवस्था थी, मतलब कि जैसे बना दिया गया था कि यहाँ से ये व्यापार करेंगे, मतलब देख रेख करेंगे इसका, ये यहाँ से देख रेख करेंगे जैसे व्यापार हो रहा है, तो वैसे बना दिया गया था। और अध्यक्ष जो इसका होता था तो ये ज्येष्ठक उसको बोला जाता था। और आम लेन देन में प्रचलित जो सिक्के थे, ये तांबे के सिक्के का ये लोग प्रयोग करते थे आम लेन देन में, और कुषाणों से कम उपयोग किया गया है, मतलब कि जो तांबे का सिक्का का ये उपयोग करते थे। तो कुषाणों के टाइम में ये सिक्के ज्यादा उपयोग किए जाते थे, लेकिन इनके टाइम में वो तांबे के सिक्के कम उपयोग किए जाते हैं, उपयोग तो किए जाते हैं लेकिन कम उपयोग किए जाते हैं। लेकिन और फायान जो यात्री था इसने कौरियों के प्रचलन का भी उल्लेख बताया, तो कौरिया भी चलती थी, तो व्हाइट कलर की आप जो वो कौरिया देखेंगे तो उसका भी प्रचलन था यहाँ पे, ये फाइयान जो चीनी यात्री है वो बोलता है। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भी इन्होंने जारी किए, तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी होते हैं, और अभिलेखों में इन्हें दिनार कहा गया है, जो ये स्वर्ण सिक्के जारी हुए हैं इसे अभिलेखों में दिनार कहा गया। और इस पे जो था तो ये यज्ञ, घुड़सवारी, शिकार, ये सब चित्रों का अंकन था इस स्वर्ण सिक्कों पे, तो ये आप समझ सकते हैं आप। और गुजरात नियंत्रण के पश्चात तो गुप्त शासकों ने कुछ चांदी के सिक्के भी चलाए थे, और ये मतलब गुजरात को जीतने के बाद जो ये गुप्त शासक थे तो इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिसे कि रूपक कहा जाता था। तो ये चांदी का सिक्का जो चलाया गया था गुजरात के विजय के बाद, तो इसको रूपक कहा जाता था, ये आप लोग समझ लीजिए। तो अर्थव्यवस्था में हमें यही सब देखना होता है कि कैसा कैसा पैसा चलता था, कैसा सिक्के चलते थे, व्यापार कैसे होते थे, कृषि कैसी होती थी, तो यही सब चीज़ें हमें देखना होता है अर्थव्यवस्था में। तो आज आप इसको नाम देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर में डिवाइड किया गया है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप देखेंगे कृषि वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती है, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है, चाहे प्रोडक्शन वगैरह। जो तृतीय क्षेत्र है तो उसको सर्विस सेक्टर बोल दिया जाता है, जिसमें कि आप सेवा वगैरह, डॉक्टर, ये सब चीज़ें लोग आ जाते हैं। तो फर्दर और भी क्लासिफिकेशन इसके हुए हैं, आप जान सकते हैं कि 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो वो सब इकोनॉमिक की चीज़ें हैं, तो वो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों को बताई जाएंगी। और सिक्कों पर आप देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं के आकृति मिलती है, शिव, विष्णु, उमा, लक्ष्मी, तो इन सब चित्रों के अंकन मिलते हैं, तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो यही ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू धर्म आप समझ लिए सबसे उत्थान पे यहाँ पे आता है गुप्ता पीरियड में, क्योंकि देखेंगे कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचलन हो जाता है, तो इस वजह से भी जो ब्राह्मण रहते हैं तो इन सब साम्राज्य को मदद करते हैं, तो फिर ये यहाँ पे उत्थान करते हैं। तो जो सातवाहन वगैरह थे तो ये लोग ब्राह्मण साम्राज्य ही कहे जाते हैं, उसके बाद गुप्ता पीरियड आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ब्राह्मण धर्म से संबंधित ज़्यादा देवी देवताओं के सिक्कों पे चित्र मिलते हैं, विष्णु, शिव, इन लोगों के चित्र ज़्यादा मिलते हैं। और सिंचाई के लिए ये लोग राहत घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था, तो ये राहत घंटी यंत्र ये सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, ये तकनीक था, इससे ये लोग सिंचाई करते थे। और उज्जैन जो था इस टाइम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जैसे कि आप देखेंगे कि गुजरात वगैरह से ज़्यादा व्यापार वगैरह होते हैं या फिर मुंबई वगैरह से, तो वही आज जो था तो उस टाइम पे उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और ताम्रलिप्त बंदरगाह है ये बंगाल से, मतलब बंगाल में था ये बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ से व्यापार वगैरह होते हैं, नाव वगैरह आके वहाँ लगते हैं और फिर वहाँ से कुछ और प्रोडक्ट को फिर लेके वो नाव वगैरह जाते हैं वहाँ से। तो ये जो बंदरगाह था ताम्रलिप्त बंदरगाह बंगाल में, और यहीं से चीन, लंका वगैरह से व्यापार किया जाता था इनका। और सामंतवादी शासन व्यवस्था थी यहाँ पे, तो सामंतवादी आप समझ सकते हैं मतलब कि जैसे अब यहाँ पे सामंतवादी वही होता है कि राजा जैसे उनको सैलरी वगैरह के रूप में भूमि दे देता था, तो अब भूमि दे देता था तो फिर वो धीरे धीरे जो ऑफिसर होते थे वहाँ पे उनके पास भूमि ज़्यादा हो जाता था। तो फिर अब पूरा ये देश है समझ लीजिए, यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके पास ज़्यादा भूमि हो जाती थी, और इसी को सामंती व्यवस्था कहा गया। तो अब देखेंगे कि आप राज्य के अंदर फिर छोटे छोटे राज्य बनने लगे, और फिर इसी में से एक मजबूत जो ऑफिसर रहता है ये इन लोगों पे सब पे अधिकार कर लेता है, अधिकार करके आप देखेंगे कि पूरा तरह से नया साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो यही सामंती व्यवस्था की कमियाँ थी, जो कि आपको मैं बताऊँगा सामंती व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से आगे। तो ये थी यहाँ पे सामंती व्यवस्था भी यहाँ पे लागू थी। और अब हम देख लेते हैं सामाजिक गतिविधियाँ, मतलब समाज यहाँ पे कैसा था। तो
समाज में वर्ण व्यवस्था में जटिलता और बढ़ गई, तो और भी वर्ण व्यवस्था जो थी तो अब जातियाँ और भी उत्पन्न होने लगी। तो आप देखेंगे कि उपजातियों का भी उदय हो गया, तो अब जातियों से ही जातियाँ निकलती हैं, तो बहुत सारी जातियाँ फिर इसमें उनकी सब जातियाँ ये सब होने लगी, बहुत सारी जटिलता बढ़ गई जातियों में। आज आप देखते हैं कि भारत में कितनी जातियाँ हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ी, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही इतनी जाति आ गई है। और तो जो ब्राह्मण थे तो ये अब वैश्य जो गुप्त शासक थे लोग, तो इनको ये लोग ब्राह्मण लोग यहाँ पे क्षत्रिय मानने लगे, लेकिन ये लोग थे वैश्य। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो ब्राह्मणों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पे ये लोग इनको क्षत्रिय मानने लगे, क्योंकि इतना इन लोगों की मदद वगैरह करने लगे तो फिर ये लोग क्षत्रिय इनको मानने लगे, और उनको भी क्षत्रिय कहलाने में अच्छा ही लगता होगा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्राम अनुदान वगैरह इनको मिलने लगा और क्षत्रिय ब्राह्मण मानने लगे गुप्तों को, जबकि ये लोग थे वैश्य। और जो ब्राह्मण थे तो फिर इन लोगों को जो गुप्ता शासक थे तो इनको ये लोग देवताओं के गुणों से अलंकृत कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इन लोग देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानते थे अपने आप को, तो ये हुआ कि फिर ये ब्राह्मणों के द्वारा ही इन लोगों को कराया गया, इन लोगों को दैवीय गुणों से अलंकृत किया गया, मतलब आप राजा जो होता है उनके पास दैवीय गुण होते हैं, तो इस वजह से ब्राह्मणों का स्थिति और यहाँ पे अच्छा होता है, तो ये लोग इनको काफी भूमि वगैरह इसी वजह से देते हैं ब्राह्मणों को। और यहाँ पे हुई कि शूद्रों की स्थिति शूद्री, रामायण महाभारत पुराण ये सब पढ़ने की इनको अनुमति यहाँ पे मिली, पहले अनुमति नहीं थी इन लोगों को शूद्रों को ये सब चीजें करने की, लेकिन यहाँ पे स्थिति इनकी सुधरती है। और इनका फिर हुआ क्या, जो शूद्र थे ये गृह संस्कारों और घरेलू अनुष्ठान का अधिकार इन लोगों को मिल गया, तो ये सब जो संस्कार वगैरह में शामिल होने लगे, ये सब अनुष्ठान वगैरह ये लोग खुद से भी करने लगे, जो मैंने आपको संस्कार वगैरह बताया था। तो आप लोग सीक्वेंस से देखे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज इसमें बताई गई। और 7वीं सदी तक ये जो थे ये पहले बस सेवा वगैरह करते थे, ये दास वगैरह का काम करते थे जो शूद्र थे, तो ये 7वीं सदी तक लगभग चलता है, और बाद में ये देखेंगे कि आप इनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। सेवा करते थे, दास वगैरह का काम करते थे ये लोग शूद्र जो थे, और स्त्रियों को भी रामायण महाभारत ये सब चीज़ें पढ़ने या फिर समझने की अनुमति यहाँ पे मिली इन लोगों की भी, तो इन लोगों की भी स्थिति यहाँ पे अच्छी होती है। इसी वजह से गुप्ता काल को आप देखेंगे कि क्लासिकल युग या फिर स्वर्ण गोल्डन एज बोला जाता है यहाँ पे गुप्ता पीरियड को। और पहली बार सती का प्रमाण मिलता है वो 510 के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, मतलब किसी के पहली बार सती होने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। सती मतलब कि अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु होगी तो उनके साथ जला दिया जाता था, तो यही सती प्रथा बोली जाती थी। तो ये सबसे पहले है ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी को साथ में यहाँ पे जलाया गया था, तो ये सबसे पहले एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है सती प्रथा का। और इसमें वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका बोला जाता था, वैश्यावृत्ति आप समझ सकते हैं मतलब वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिला थी वो गणिका बोली जाती थी, और जो वृद्ध वैश्याए थी उनको कूटनी बोला जाता था यहाँ पे, जो वृद्ध वैश्याए थी। तो आप देख सकते हैं कि वैश्य प्रथा भी यहाँ पे थी। और अछूतों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फाहियान ने चंडालों जैसी जाति का भी उल्लेख किया, तो फाहियान जो चीनी यात्री है तो यहाँ पे चंडाल जैसे भी जातियों का उल्लेख किया है। और ये जो चंडाल रहते थे तो ये बस्तियों के बाहर रहते थे, और ये बाहर रहते थे और इनको ये जो थे ये मांस मदिरा सेवन ये सब चीज़ें करते थे, तो इन वजह से इनको लोग छाया से भी इनके बचते थे, तो जो चंडाल जाति थी तो इसके छाया से भी लोग बचते थे, क्योंकि ये जो मांस मदिरा सेवन ये सब चीज़ें करते थे तो इस वजह से इनको अछूत माना जाता था चंडालों को, और इनको फिर इनके परछाई से भी लोग बचते थे। इतना आप ध्यान रखिए कि जब वो कोई चंडाल गुजरता है तो पहले ही बता दिया जाता है, फिर लोग खाली कर देते हैं तब जाके चंडाल वहाँ से गुजरते हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे थी इस टाइम पे। तो ये दक्षिण भारत में भी मैं बताऊंगा कि उस टाइप की व्यवस्था वहाँ पे थी, तो ये चंडाल जाति का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है हमें। और दास प्रथा थी, बेगार के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। तो दास प्रथा मतलब कि यहाँ पे स्लैब सिस्टम, स्लैब को ले जाके खेत वेत में काम कराया जाता था, तो उसको मतलब खरीद लिया जाता था दासों को, जैसे कि कोई इंसान है उसको बाजार में बेचा जा रहा है, उसको खरीद लिया कोई जो जिसके पास पैसा वगैरह है, और फिर जाके वो अपने घर पे जो भी काम है या फिर खेतों वेतों में कराएगा उसे दास प्रथा बोला जाता था। तो ये सब चीजें प्रचलन में यहाँ पे थी। और कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन मिला है ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिला है, प्लस जाति के रूप में इनका जो वर्णन मिलता है ओस्नम स्मृति में मिलता है कायस्थों की। तो कायस्थ एक जाति, तो इनका जो काम था आप कायस्थों का देखेंगे तो ये लेखन पठन पाठन इस टाइप का इनका काम था कायस्थों का। तो आप समझ सकते हैं मतलब
पढ़ाना वगैरह या फिर पढ़ना या फिर कुछ लिखना, ये सब तरह का कायस्थों का काम था। और मनु ने यहाँ पे देखिएगा कि ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या को महापाप इसमें बताया गया। तो ब्राह्मणों का इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे स्थिति सुधर गई थी कि यहाँ पे अगर इनकी हत्या आप करते हैं तो ये महापाप में गिना जाता था गुप्ता पीरियड में। तो अब हम लोग देख लेते हैं धर्म के बारे में कि इनका धर्म कैसा था, मतलब धार्मिक जीवन इन लोगों का कैसा था गुप्तकालीन जो भी साम्राज्य थे या फिर गुप्ता टाइम में जो लोग थे, तो उनका धार्मिक कर्मकांड वगैरह कैसे चलता था यही इसमें हमें जानना है। तो पहला है कि धर्म में आप देखेंगे कि ये लोग धार्मिक सहिष्णुता से रहते थे, मतलब सहिष्णुता का काल था। ऐसा नहीं है कि मतलब एक धर्म को ये लोग जो वैष्णव धर्म को मानते थे तो बाकी धर्मों को बढ़ावा वगैरह नहीं देते थे। तो जैसा कि आप मुस्लिम शासकों में देखेंगे तो वो बस अपने धर्म को बढ़ावा देते थे, बाकी धर्म को वो लोग चाहते थे कि वहाँ के लोग जो भी हैं वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम धर्म में आ सके। तो ये बाकी आप देखेंगे मुस्लिम शासक में, लेकिन गुप्ता पीरियड में ये नहीं था कि ये लोग अपने धर्म को तो मानते थे लेकिन बाकी धर्म को भी प्रचार प्रसार जो भी करना है सबकी छूट थी और ये लोग खुद भी प्रमोट करते थे सबको। तो ये लोग जो थे ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, गुप्ता पीरियड के राजा जो थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे जो भी राज्य के लोग थे। और अब जनता जो होगी तो ऐसा नहीं है कि अब जनता भी वैष्णव धर्म को ही माने, तो जनता कोई भी धर्म को मान सकती है, जैसे कि आप आज भारत को देखते हैं। तो अब जो शासन करने वाले मान लीजिए वो हिंदू हैं, अभी तो हिंदू हैं तो अब ऐसा नहीं है कि जनता यहाँ की बस हिंदू ही हो, मुस्लिम भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी है, सभी तरह के लोग हैं। वैसे ही वहाँ पे जनता भी कोई धर्म को मान सकती थी, लेकिन जो राजा थे या फिर जो राज्य करते थे वहाँ पे शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध धर्म को राज्य श्रेय मिलता रहा, मतलब इसको कम भी किया गया लेकिन संरक्षण भी किया गया, तो उतना नहीं मिला संरक्षण जैसा जितना कि आप देखेंगे मौर्य टाइम में बौद्धों को संरक्षण मिला, उतना यहाँ पे नहीं मिलता है। क्योंकि आप ब्राह्मण साम्राज्य इसी वजह से आते हैं, देखते हैं आपके ब्राह्मण साम्राज्य इसके पहले जो मैंने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोगों को ज़्यादा मान्यता वगैरह मिल गई थी, तो इसी वजह से वो धर्म आया था जो ब्राह्मण धर्म, इसी वजह से आया था क्योंकि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा वगैरह दिया जाने लगा था, इस वजह से हुआ कि ब्राह्मण धर्म आया था। उसके बाद भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म को ही ये लोग आगे बढ़ाते हैं, वैष्णव धर्म ब्राह्मण धर्म, तो फिर यहाँ पे बौद्धों को उतना आश्रय नहीं मिलता है लेकिन संरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको संरक्षण नहीं मिलता है। और बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, तो गुप्ता पीरियड के बाद ही माना जाता है कि मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी स्केल में मंदिरों वगैरह की बनाने की प्रथा चली और आप देखेंगे बहुत सारी मंदिरें वगैरह बनाई गई। तो ये मैं जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी मंदिरें वगैरह बनाई जाती हैं गुप्ता पीरियड में। देन अवतारवाद की अवधारणा वगैरह, तो ये मैंने बताया कि ये लोग अवतारवाद वगैरह की अवधारणा ये सब आई देवी देवताओं में कि जो विष्णु है वो अवतार वगैरह लेते हैं, तो इन सब का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा तरह की प्रचलन में आई कहानियाँ। जैसे आज आप देखते हैं कि विष्णु के अवतार ये सब अवतार, भगवान के ये अवतार शैव अवतार, तो ये सब यहीं से ज़्यादा स्टैंड हुआ। और विष्णु का जो वाहन गरुड़ है ये गुप्तों का राज्य चिन्ह था, तो विष्णु का ये वाहन है गरुड़, तो ये इनका राज्य चिन्ह रहता है। और कुछ शैव कुछ बौद्ध धर्म मानने वाले भी थे, तो जनता का मैंने बताया कि जनता वगैरह कुछ भी मान सकती है उसमें, ऐसा नहीं है। तो कोई शासक भी ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकता, शासक भी फॉलो कर सकते हैं उस जिनको इच्छा होती है, लेकिन जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे आप। और मूर्तियों की जो बलि देने की प्रथा थी ये चलती रही, तो बलिदान देने वगैरह की प्रथा जो थी वो चलने लगी। तो आप ये देखेंगे कि महाजनपद काल से ही आप देखेंगे कि बलि वगैरह देने की प्रथा बहुत ज़्यादा चलती है, तभी जाके बौद्ध धर्म जैन धर्म आता है। ये मैंने आपको बताया था कि बलि वगैरह बहुत ज़्यादा दे दी जाती है तो पशुओं की कमी हो जाती है। और फिर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, तो लोहे की खोज से कृषि वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उसमें पशुओं की ज़रूरत पड़ती है, और पशुओं की ज़रूरत पड़ती है तो अब इतना ज़्यादा बलि दे दी जाती है पशुओं की कि पशु कम पड़ जाते हैं खेती वगैरह के लिए। तो ये सब प्रथा वहीं से चलते आ रही थी और यहाँ पे भी ये प्रथा चलती रही गुप्ता पीरियड में। तो ये हमने धर्म के बारे में देख लिया और अब हम देख लेते हैं इनके कला के बारे में, मतलब आर्ट के बारे में इनको। तो इसको स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, मतलब कला के क्षेत्र से स्वर्णयुग कहा जाता है। वैसे तो पूरे गुप्ता पीरियड को ही स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाना शुरू कर दिए, वास्तुकला में भी बहुत ज़्यादा ये लोग आगे निकले, चित्रकला का विकास हुआ, मूर्ति कला का, मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा बनाई जाने लगी। तो बहुत हर एक क्षेत्र में विकास होता है यहाँ पे। और समुद्रगुप्त द्वारा देखेंगे कि उनका एक चित्र है सिक्कों पे वीणा बजा
बजाते हुए। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये लोग म्यूजिक वगैरह पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिए, या फिर इनका बढ़ावा प्रचलन ये सब चलते रहा। इस वजह से भी जो समुद्रगुप्त थे तो इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पे, यानी कि ये संगीत के प्रेमी होंगे ऐसा पता चलता है हमें। ये जो सिक्कों पे इनकी आकृति बनी है, और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न था, 9 बड़े विद्वानों से अलंकृत थे, मतलब 9 बड़े विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 9 रत्न मतलब यही होता है कि 9 बड़े विद्वान हो गए तभी इनको नाम यहाँ पे रखा गया है। तो इनमें आप देखेंगे कालिदास, धन्वंतरी, वररुचि, छपनक, वेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, घटकर्प, बराहमीर, ये 9 रत्न थे इनके दरबार में। और ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट थे। तो जैसे कालिदास को आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं वगैरह की हैं। तो ये लोग काफी प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे इनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न। और नागर शैली का अधिक विकास हुआ यहाँ पे और क्रमिक पतन भी हुआ नागर शैली का। तो ये नागर शैली वास्तुकला थी, इसमें मंदिर बनाए जाते थे। तो गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि मंदिर वगैरह बहुत बनाए जाते थे। तो इनका आधार जो था मंदिर, मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे। आप देखेंगे कि चतुर्कोणीय मंदिर वगैरह बनाए जाने लगे, तो ऐसे आप देखेंगे कि मंदिर वगैरह बनते हैं ऐसे। तो वही ये मंदिर बनाने की कला है नागर शैली। उत्तर भारत में ये शैली बहुत ही विकसित होती है। तो इसकी आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आर्ट एंड कल्चर में हर एक चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से उसमें बताऊंगा। इस और बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म की भी मूर्ति निर्माण हुई, तो बौद्ध धर्म की भी यहाँ पे मूर्ति निर्माण हुई और हिंदू धर्म की तो हुई ही हुई। तो ये यहाँ पे मूर्तियाँ, बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह और मंदिरें बनाई जाती हैं, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में मैं हर एक चीज़ें उसमें अच्छे से बताऊँ। सारनाथ प्लस मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएँ बनी, तो बुद्ध की भी मूर्तियाँ वगैरह बन रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल हर एक धर्म को प्रमोट किया है ये लोग। लेकिन गुप्त कला का आप देखेंगे कि जो सर्वोत्तम नमूना यहाँ पे मिलता है, ये अजंता के 29 गुफाएं हैं वर्तमान में, इसमें 6 शेष बची हैं और 16 तथा 17 जो गुप्तकालीन ये गुफाएं यहाँ पे बची हुई हैं। तो गुप्तकालीन में ये बनाया गया है, समझिए अजंता की जो गुफा है, और ये 29 गुफा है। तो इसको बनवाया तो सातवाहनों के द्वारा गया है, लेकिन गुप्ता पीरियड का ये टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये एक बार में निर्माण नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए कि गुप्ता पीरियड में भी बनाइए और फिर सातवाहनों का भी आता है। तो ये एक टाइम में नहीं बनी है, इसको हर एक बार में मतलब लगभग कुछ कुछ करके बनाई गई है। तो 29 कुल जो गुफाएं हैं अजंता में, इस वजह से इसको बोला जाता है। तो कभी आप टाइम सुनिएगा कि सातवाहनों का नाम सुनिएगा, कभी आप अभी गुप्ताओं का, तो ऐसे होता है। तो एक बार में ये नहीं बना है, तो इस वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 29 गुफाएं और 29 एक बार में, ऐसा नहीं है कि एक बार में बना दिया गया है। इसी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन इसमें होता है कि किसने बनवाया है। तो गुफा संख्या जो 16 और 17 है ये गुप्तकालीन है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो 16 और 17 है ये गुप्तकालीन है, तो मतलब इनके टाइम पीरियड में ये बनवाया गया है। और 17 है बौद्ध धर्म के जन्म और जीवन, महाभिनिष्क्रमण, इनसे संबंधित है जो गुफा संख्या 17 है। महापरिनिर्माण की घटना का चित्र इसमें मिला है, जो 16 नंबर गुफाएं हैं अजंता की। और इन जो गुफाओं की जानकारी ये आप देखेंगे कि फाइयान की यात्रा में भी मिलता है, हेनसांग की यात्रा में भी मिलता है, जो कि हेनसांग है ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, और जो फाइयान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रथम काल में आता है। तो इससे पता चलता है अजंता गुफाओं के बारे में। तो इनकी शुरुआत जो हुई थी इनकी बनाने की अजंता गुफा की, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटों ने सबसे पहले शुरुआत किया था बनाने का इनका। तो इसका भी जब आपको बताया जाएगा हिस्ट्री, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये बना है। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके प्रसिद्ध मंदिर वगैरह के बारे में, कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं इनके शासनकाल में गुप्तों के। तो विष्णु मंदिर आप देखेंगे कि तेंगरा एमपी में है, और शिव मंदिर आप देखेंगे कि भूमरा नागौदा में है एमपी में, और पार्वती मंदिर है नयना कुठार एमपी में, और दशावतार मंदिर भी आप देखेंगे कि देवगढ़ ललितपुर यूपी में है, और शिव शिव मंदिर खो नागौद एमपी में है, और भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव में है, और लक्ष्मण मंदिर यूपी में है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आप लोग याद रखेंगे अगर रख सके तो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल याद ही रखना है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अब हम देख लेते हैं इनके साहित्य के बारे में। तो अब हम साहित्य में देख लेते हैं, तो साहित्य जो था इनका गुप्तकाल का, आप देखेंगे साहित्य मतलब लिटरेचर होता है, लिटरेचर में बुक वगैरह देखी जाती है, भाषा वगैरह कौन सी थी,
थी। तो यही सब चीज़ें साहित्य में देखी जाती हैं। तो प्रमुख इनमें बुक कौन सा लिखा गया, कौन से लेखक वगैरह थे, तो यही सब देखना होता है हमें साहित्य में। तो पहले हम देख लेते हैं जो इनकी राजकीय भाषा थी, तो ये संस्कृत भाषा थी, राजकीय भाषा इनकी संस्कृत थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध जो कवि हैं कालिदास, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, प्रमुख कवि कालिदास। और जो कालिदास की रचना है तो उसमें देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत आदि जो ये सब बुक हैं, तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, ये सब बुक कालिदास द्वारा लिखी गई है। और कालिदास का ये तो कालिदास को मतलब डेट को लेके हमेशा ये रहता है कि कालिदास किसके काल में थे, लेकिन इसमें ये भी हमें पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे कालिदास। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो प्राकृत भाषा थी तो ये भी प्रचलन में थी। तो जैसे मैंने बताया कि अब जैसे हिंदी है तो हिंदी भी प्रचलित में है, आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी भी भारत में भी प्रचलित में है, और आप पंजाबी भी देखेंगे, बंगाली भी देखेंगे, तो हर एक भाषा प्रचलित होती है। लेकिन सबसे जो इनकी राजकीय भाषा थी तो ये संस्कृत थी, लेकिन और भी भाषा प्रकृत वगैरह ये भी चलती थी। और जो संस्कृत है ये उच्च वर्ग वन के लोग इसको जान पाते थे, तो जो संस्कृत भाषा है ये सभी लोग नहीं सीख पाते हैं। तो जैसा आज आप देखेंगे समाज में इंग्लिश है तो वो सभी लोग नहीं सीख पाते हैं, चाहे सभी लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ये अभी देखेंगे जो इंग्लिश उच्च वर्ग के लोगों का माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो लोग इंग्लिश वगैरह अच्छे से जानते हैं। तो इसमें ये होता है, तो उस टाइम ये भी थी कि जो संस्कृत थी वो इनकी राजकीय भाषा थी, और ये उच्च वर्ण के जो भी लोग वगैरह थे तो वो उसका उपयोग ज़्यादातर करते थे। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखे जो पंचतंत्र पुस्तक है, और ये पंचतंत्र जो है ये संस्कृत में लिखी गई है, और ये संसार सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी बुक आप समझ लीजिए कि यहीं पे रचना हुई है इसकी, पंचतंत्र जो है, और ये संस्कृत भाषा में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप यहीं पे देखेंगे कि रामायण, महाभारत एवं पुराणों का भी संकलन एवं नारद स्मृतियों का भी संकलन यहाँ पे हुआ है। तो रामायण और महाभारत पुराणों आदि का भी संकलन हुआ है, मतलब अच्छे से इसको संकलन करके फिर एक जगह इकट्ठा किया गया है इसमें, मतलब इन सब मतलब कि एकत्रित करना वगैरह संकलन होता है। तो इन सबको, पुराणों को, नारद स्मृति जो भी ये सब है, तो इनको एक जगह संकलन किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया है एक जगह, इसको अच्छे से ये है इसमें। और कामसूत्र जो है ये वत्सायन द्वारा लिखा गया है इसमें, और तो ये कामसूत्र बुक जो है ये वत्सायन द्वारा लिखा गया, और मृच्छकटिकम एक बुक है ये शूद्रक द्वारा लिखा गया। तो ये सब बुक हैं जो कि इन लोगों द्वारा लिखा गया, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये हमेशा आपको एग्जाम में दिखेंगे और मिलेंगे। और कुछ थोड़ा यहाँ पे ये भी हम देख लेते हैं, आर्यभट्ट जो थे, मतलब ये समझ लीजिए विज्ञान वगैरह में ये लोग बताए गए हैं। तो आर्यभट्ट जो है ये 0.5 के रचनाकार माने जाते हैं। तो शून्य का खोज माना जाता है कि आर्यभट्ट ने ही किया है, दशमलव का भी खोज आर्यभट्ट ने किया है, और पाई का भी आर्यभट्ट ने ही किया है। और इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक भी लिखा है, सूर्य सिद्धांत भी दिया है, दस गीति का भी इन्होंने लिखा है। तो आर्यभट्ट काफ़ी ही प्रचलित थे एंशेंट इंडिया में। और आप अगर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जाते हैं तो इसमें आपको हर एक जो एंशेंट इंडिया में बड़े बड़े ये सब साइंस से रिलेटेड या फिर जो आयुर्वेद वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कहानी जैसा बिल्कुल दिखाया गया है, कैसे कैसे आविष्कार हुआ, किन्होंने क्या आविष्कार किया, तो वो सब उस देखेंगे कि अक्षरधाम के मंदिर में ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, और वहाँ पर काफ़ी एनिमेशन से दिखाया जाता है। और आर्यभट्ट हैं, इन्होंने ही बताया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य का परिक्रमा करती है, और आज भी ये मान्य है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ऐसा नहीं है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो पहले ऐसा सिद्धांत था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये सब जब टेलीस्कोप वगैरह का आविष्कार हो गया तो इससे पता चला हमें कि जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जो भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने बताया था, और बाद में जाके ये सब सिद्ध हुआ। तो ये मैंने बता दिया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान और भी थे, जो कि बराहमीर, धनवंतरी, ब्राह्मगुप्त, ये लोग कुछ प्रमुख जो विद्वान थे ये लोग रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ब्राह्मीर, धनवंतरी, ब्राह्मगुप्त, ये लोग रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये भी जो ब्राह्मीर थे ये खगोल विद हैं थे, और इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये इन्होंने कुछ ऐसा बताया था यहाँ। और ब्रह्म, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मगुप्त जो ये हैं, ब्रह्मगुप्त,
इनको भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। तो न्यूटन इसी वजह से कहा जाता होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए होंगे न्यूटन जैसा, तो इस वजह से इनको भारत का न्यूटन भी कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। और यहीं पर आप देखिएगा कि जो पुरानों की वर्तमान रूप में जो रचना दिखती है आपको, तो ये गुप्त काल में हुई है पुरानों की। और चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपया का कहा जाता था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि चांदी का सिक्का है उसको रुपया का कहा जाता था, और जो सोने का सिक्का है उसको आहत का सिक्का बोला जाता था। और गुप्त काल को क्लासिकल युग, क्लासिकल या फिर स्वर्ण युग माना जाता है, तो ये इस वजह से माना जाता है। आप देख रहे हैं कि मेन मेन जितनी चीजें का आविष्कार, साहित्य, समाज सबसे फला फूला था, इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग काल या फिर क्लासिकल युग ये सब नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको डायरेक्टली मिलेगा कि स्वर्ण युग से किसको जाना जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको गुप्त काल लगाना होगा। और गुप्तकालीन ही जो सुश्रुत संहिता है, तो ये सुश्रुत संहिता आप जो देखेंगे तो ये प्रमुख जो तीन ग्रंथ है आयुर्वेद के, उसमें से एक माना जाता है। और इसमें बहुत सारे रोग के शल्य चिकित्सा जो कि आप आजकल देखते हैं ऑपरेशन वगैरह होता है, तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें आप मान नहीं सकते कि उस टाइम जो कैंसर होता है उसके इलाज का भी इसमें क्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसे ये सब जो चीज़ें हैं हो सकती हैं, मतलब ये शल्य चिकित्सा से जो कैंसर होता है इसका इलाज। सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत थे, तो ये आप समझ सकते हैं। और जो चरक थे, तो ये चरक संहिता की रचना किए थे, ये भी है जो वो चिकित्सा से ही संबंधित है, तो चरक ने चरक संहिता की, और ये भी आयुर्वेद से ही संबंधित है, तो ये सब रचनाएं हुई हैं यहाँ पे लगभग। तो अब हम देख लेते हैं कि उस टाइम जो आप देखेंगे तो ये सबसे प्राचीन मतलब था तक्षशिला विद्यालय का, आप नाम सुनते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही पुराना था तक्षशिला विद्यालय विश्वविद्यालय। और उसके बाद देखते हैं कि नालंदा महाविहार जो था ये, इसकी स्थापना होती है गुप्त काल में, तो आप देखेंगे गुप्त वंश में ही इसकी स्थापना होती है नालंदा महाविहार की। तो ये गुप्त शासक जो कुमार गुप्त रहता है, तो वो इसकी स्थापना करता है। तो अब हम यहीं पे देख लेंगे, और ये जो तक्षशिला था ये बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, और ये जो है ये मॉडर्न, अभी जो उस टाइम का मॉडर्न विश्वविद्यालय की स्थापना जो महाविहार था, तो ये स्थापना की गई, और दोनों जगह पे शिक्षा दी जाती थी। तो हम इसमें यही कंपेयर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या था, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार आ भी चुके हैं यूपीएससी में, तो यही हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो तक्षशिला बहुत पुराना था, अब उस टाइम देखेंगे कि जो चाणक्य थे तो इसमें प्रोफेसर थे, तो ये ईसा पूर्व से पहले था, और ये आप देखेंगे कि ईस्वी में है, तो ये करीब चौथी पांचवी ईस्वी में इसकी स्थापना होती है नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की। तो यही हम थोड़ा सा अंतर इसमें देखेंगे। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के निकट है इसके अवशेष वगैरह, और ये अभी वर्तमान में पटना के निकट है। तो अभी बिहार गवर्नमेंट इसकी फिर से रिनोवेशन करा ही रही है, मतलब फिर से बनाया जा रहा है इसको, और ये जो है रावलपिंडी में है पाकिस्तान में। और ये पांचवी जो है ईसा पूर्व में शिक्षा का केंद्र था ये जो तक्षशिला था, और ये आप देखेंगे कि पांचवी ईस्वी में था, तो ये ईसा मसीह के पूर्व था, तो लगभग 1000 साल का आप गैप देख सकते हैं दोनों में। और ये 5वीं ईस्वी से लेके 12वीं सदी तक ये प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहता है जो नालंदा महाविहार रहता है, और ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, और यह महायान एवं वज्रयान से संबंधित था। तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, लेकिन ये जो आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान से संबंधित था, लेकिन दोनों में शिक्षा ही दी जाती थी, और महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र पर स्थित था ये, तो इस वजह से ये प्रसिद्ध हुआ। तो आप देखेंगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो उधर चीन से भी व्यापार होता था, चीन के जो सिल्क रूट थे, तो सिल्क रूट रेशम वगैरह का व्यापार उधर से ही होता था। और फिर आप देखेंगे कि जो अरब वगैरह लोग थे, तो आप उस टाइम देखेंगे कि फिर उधर के जो मध्य एशिया के थे लोग, तो उसके मेन आप देखेंगे कि रूट पे था, तो इस वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये जो था नालंदा महाविहार, तो ये राजकीय संरक्षण की कमी थी, इसमें राजकीय संरक्षण वगैरह भी ज़्यादा नहीं मिला, और बख्तियार जो खिलजी था इसको जला देता है, और जला देता है तो इतना इसमें बुक वगैरह रहता है कि 1 महीना तक इसमें आग लगी रह जाती है। तो बख्तियार खिलजी जो आप देखेंगे कि जो कि आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपाही था, तो इसके साथ ही आता है, और ये बिहार में जाता है उधर पूंज करने मतलब जीतने, और फिर वहाँ पर आप नालंदा महाविहार जो रहता है उसमें आग लगा देता है यहाँ पे, और सारे उसको तहस नहस कर देता है बिल्कुल उसको। और बाद में ये नालंदा के कारण इसकी प्रसिद्धि कम हो गई, तो जो जो तक्षशिला था ये बाद में, नालंदा जब आता है महाविहार शिक्षा का केंद्र, तो इसकी कुछ जो प्रसिद्ध था ये इसमें कमी आती है तक्षशिला में। और ये आवासीय विद्यालय प्रवेश आदि बहुत कठिन था, तो इसमें बहुत मॉडर्न था, और बहुत जो इसका प्रवेश वगैरह था तो बहुत ही कठिन था। और इसमें देखेंगे कि बौद्ध धर्म से लोग शिक्षा ग्रहण करने बहुत सारे आते हैं, और चीनी यात्री लोग भी आते हैं, जो वेनसांग है
जुफायान है, ये आते हैं यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। और यहाँ पे बहुत ही आप देखेंगे कि कठिन ये सब था। तो अब यहाँ पे ये माना जाता था कि जो द्वारपाल था, अगर आप शिक्षा या फिर उसमें एडमिशन वगैरह के लिए जाते हैं, तो जो द्वारपाल होता है, जैसे कि आप गार्ड देखते हैं कहीं बैंक वगैरह में रहते हैं गार्ड, तो वैसे ही यहाँ पे द्वारपाल रहता था, तो वही आपकी टेस्ट ले लेता था समझिए। और वो इतना शिक्षित होता था जितना आप नहीं सोच सकते, बहुत ही कठिन था नालंदा में। और जबकि इन सब में ये सब चीज़ें नहीं था, और इसमें जो नालंदा में थी तो ये सब मॉडर्न व्यू वगैरह पढ़ाई जाती थी, साइंस वगैरह आप देख रहे हैं, चरक वरक संहिता ये सब लिखी गई है, चाहे सुसूत्र संहिता, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें प्रचलित थी साइंस वगैरह रिलेटेड। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वेद पुराण ये सब चीज़ें तक्षशिला में ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, तो इन सब का ज्ञान था। तो ये मॉडर्न था समझ लीजिए, और ये थोड़ा मतलब पीछे की चीज़ें जो ये सब होती हैं वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो इसमें ये आपने अंतर थोड़ा सा समझ लिया इसमें। और अब हम थोड़ा सा इसमें चार्ट से देख लेते हैं एक कि गुप्त काल के बारे में आता है, तो आप एक इसको चार्ट को बना देते हैं अगर मेंस के आंसर राइटिंग में, तो ये काफ़ी होगा हर एक चीज़ों को इसमें बताने के लिए। तो ये है गुप्त काल, भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये मेंस में कितने बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में आप देखेंगे, प्रीलिम्स जो पीसीएस वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको ये सब पॉइंट अगर लिख देते हैं तो इससे आपका सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये स्वर्णयुग था उस टाइम का। तो पहले हम भवन निर्माण के बारे में, जैसे आप बताइएगा कि हिंदू मंदिर स्तूप वगैरह का निर्माण हुआ बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी स्तूप का भी निर्माण हुआ, तो ये अशोक के काल से शुरू हुआ था स्तूप वगैरह, और ये यहाँ भी बहुत सारे स्तूप वगैरह बनाए जाते हैं हिंदू मंदिरों का। तो ये मतलब कि मंदिरों से रिलेटेड स्वर्णयुग बिल्कुल आ जाता है, बहुत सारी मंदिरें बनाई जाती हैं और मंदिर की कला की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो ये आप लोग लिखिएगा इसमें। और दूसरा फिर आप लिखिएगा कि इसमें चिकित्सा से रिलेटेड इसमें कितना ग्रोथ होता है, चिकित्सा वगैरह के बारे में, चिकित्सा क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में इसमें ग्रोथ हुआ, तो हर एक चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी। तो 26वीं शताब्दी में जो वान भट्ट है वो आयुर्वेद प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अष्टांग हृदय की भी रचना की है, तो ये मैंने नहीं बताया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। और वो भी पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इस ग्राफ में, ऐसा नहीं है कि, तो इन्होंने अष्टांग हृदय की स्थापना की ग्रंथ की रचना की है जो कि वान भट्ट हैं ये इन्होंने। और धन्वंतरी भी रहते हैं, ये भी आयुर्वेद के विद्वान रहते हैं, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते हैं धन्वंतरी, और ये भी आयुर्वेद के विद्वान रहते हैं, तो ये भी इन्हीं के काल में रहते हैं, तो ये भी आप समझ सकते हैं। और अगला है कि केंद्रीय शासन, तो केंद्रीय शासन में आप लिख दीजिए कि ये सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो राजा होता था। और इसी में आप देखिएगा कि गणित में, तो गणित में मैंने आपको बताया भी था कि संख्याओं का स्थानीय मान, शून्य दशमलव, इन सब की भी रचना यहाँ पे हुई है आर्यभट्ट द्वारा, आर्यभट्ट ने ये सब चीज़ों की आविष्कार किया यहाँ पे। और आप खगोलविद में क्या लिख, खगोल में क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ पे, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक यहाँ पे लिखा जिसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये पता चला हमें, और जो अक्ष पर भी घूमती है ये भी पता चला। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, रोटेशन और रेगुलेशन, तो आप देख सकते हैं एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और दूसरी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, तो इन्होंने ही बताया आर्यभट्ट ने, और आज भी यह मान्य है। और यहाँ पे सती प्रथा का भी उल्लेख है, तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल के एरन अभिलेख जो मिला है, तो इससे हमें पता चलता है जो हर्ष की माता थी यशोमती की सती होने का यहाँ पे प्रमाण मिलता है हमें, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब कि ये एक ओवर व्यू है ये पूरे वंश का। और शतरंज खेल आदि का भी यहाँ से हमें पता चलता है, 64 खाने और 12 मोहर वाले जो शतरंज की शुरुआत यहीं से मानी जाती है गुप्त काल से ही, और ये 320 से 350 ईस्वी के दौरान में हुआ है ये शतरंज का खेल का आविष्कार यहाँ पे। और एक यहाँ पे साहित्य बचता है, तो साहित्य में आप बता सकते हैं कि कालिदास के बारे में, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम, और इस बुक में जो है ये दुष्यंत और शकुंतलम की प्रेम कहानी लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। तो ये इतनी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर में इतने बड़े साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि गुप्तों का पतन क्यों हो गया। तो पहला है हूनों का आक्रमण, तो हूनों का आक्रमण बताया मैंने कि जो एक ये खानाबदोश जनजाति थी जो बार बार आक्रमण कर रही थी यहाँ पे, तो हूनों का आक्रमण हुआ, हूनों का आक्रमण हुआ इस वजह से इनकी धीरे धीरे, ये बहुत लूटपाट करते थे और लूटपाट करते थे, तो इस वजह से इनका धीरे धीरे जो इकोनॉमिकली हालत है ये कमज़ोर होते गए, तो ये भी एक पॉइंट बनता है फिर इनका पतन का गुप्तों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लूटपाट मनाते थे, जो भी बॉर्डर वाला इलाका था उधर बहुत ज़्यादा लूटपाट करते थे और बार बार इनको उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी, फिर वो अपना भाग जाते थे उधर से, फिर आक्रमण करते थे, ऐसा ये बार बार करते थे, हूनों का आक्रमण होता था, इस वजह से भी इनका साम्राज्य कमज़ोर हुआ कुछ, और कमज़ोर हुआ तो फिर यहाँ पे बाद में इनका पतन होता है। और दूसरा है कि प्रशासन की सामंती ढांचा, तो सामंती ढांचा थी मतलब सामंतवादी जो
कि मैंने आपको बताया कि सातवाहनों से चलती है सामंतवादी व्यवस्था, तो ये यहाँ पे एक्सेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सामंतवादी व्यवस्था हो जाती है। सामंतवादी व्यवस्था मतलब कि जो सैनिक या फिर जो उच्च पद पे रहते हैं उनको वेतन के बदले में ज़मीन वगैरह दे दी जाती है, और ज़मीन से वो वहाँ पे कृषि करते हैं या फिर किसी से कृषि करवाते हैं और वहाँ से अपना पैसा वैसा वसूलते हैं, या फिर जो किसान रहते हैं वहाँ से। तो अब होता था कि धीरे धीरे राजा बहुतों को दे देता था, यहाँ पे उनकी ज़मीन बढ़ते जाती थी, और धीरे धीरे वो बहुत मजबूत हो जाता था, और मजबूत होता था तो फिर वो जो सत्ता है पूरा जो केंद्र में, जैसे कि पूरा वंश जो चल रहा है, चाहे मेन जो राजा है उसको ये लोग चैलेंज करने लगते थे, और बहुत भ्रष्टाचार वगैरह, कर वगैरह बहुत कम देना वहाँ से, ये सब चीज़ें होने लगती थी, और इन सब वजह से इनका राज्य कोष धीरे धीरे खाली हो गया, और ज़मीन तो चला ही जाता था, तो इस वजह से भी गुप्तों का पतन हो गया। और अब हर एक बार देखेंगे कि जो सेनापति या फिर जो बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं वहीं तख्ता पलट करके फिर वहाँ पर अपना शासन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये होता है यहाँ पे। तो इस वजह से मतलब सेंटर बहुत कमज़ोर हो जाता था, और फिर जाके ये लोग जो थे ये तख्ता पलट कर देते थे। तो आप बार बार देखते आ रहे हैं जो मैं पढ़ाया हूँ, तो उसमें आप समझ सकते हैं इन बातों को। तीसरा है कि उत्तरवेदी जो गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, तो बाद में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के वजह से ही ब्राह्मण धर्म आता है, ब्राह्मण धर्म के बाद फिर से हिंदू धर्म के वजह से जो होता है ये सबसे ज़्यादा उत्थान पे रहते हैं, ब्राह्मण जो धर्म होता है इस वजह से गुप्तों का इतना उत्थान हो पाता है। और फिर देख रहे हैं कि बौद्धों के ही वजह से ब्राह्मण धर्म का उदय होता है, ब्राह्मण धर्म फिर यहाँ पे ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है, तो फिर इसके वजह से इनका बहुत बढ़ोतरी होता है गुप्तों का। लेकिन बाद में ये लोग होता है कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रचलन वगैरह करने लगते हैं, तो फिर इस वजह से फिर जनता वगैरह इनकी सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ते हैं, और फिर इनके बाद में डिक्लाइन हो जाता है गुप्तों का। और चौथा है कि अयोग्य उत्तराधिकारी, तो आप ये जैसा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इन सब जैसा फिर उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। तो जैसा कि मौर्य साम्राज्य में स्थिति बनी थी कि अशोक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आता है जो कि पूरी तरह से बांध के रख सके पूरे साम्राज्य को, वैसा ही यहाँ पे भी होता है, जिसमें बुद्ध गुप्त आप देखेंगे, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, ये सब ऐसे शासक रहते हैं कि जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम को एक में इकट्ठा करके नहीं रह पाते हैं, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे राजवंश हैं वो अलग होने लगते हैं, यहाँ पे जो सामंत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सामंत बन जाते हैं, और फिर अपने अपने वहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, और ये लोग उसको नहीं रोक पाते हैं। तो ये शासक जब कमज़ोर ऊपर पड़ता है सेंटर में, तो फिर वहाँ पे साम्राज्य का विघटन होना बिल्कुल निश्चित होता है, और फिर होता भी है, और आप हिस्ट्री में देखते आ रहे हैं कि हर एक जो साम्राज्य बना है उसका विघटन हो ही रहा है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि आज जो केंद्र है इतना मजबूत बनाया गया है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे इतना मजबूत बनाया गया है ताकि स्टेट हमसे फिर कभी अलग होने का या फिर दूर जाने का ना सोच सके। तो सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत एक्सेस पावर दिया गया है, टैक्स में ले लीजिए चाहे हर एक क्षेत्र में, सेंटर के पास आर्मी जो है तो बहुत बड़ी आर्मी, बहुत मजबूत, टैक्स का देखेंगे कलेक्शन बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हर एक चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है। अगर स्टेट थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और सारा फिर वहाँ से शासन वगैरह ले लिया जाएगा वहाँ से स्टेट का। तो इसी वजह से ये सब देख के ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, तो इस तरह से लिखे हैं संविधान को ताकि कभी भी स्टेट अलग होना ना चाहे, सेंटर को बहुत मजबूत बनाया गया है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि फिर नई शक्तियों का उदय होता है, मालवा में यशोधर्मन, पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन का जो शासनकाल है, ये सब लोग फिर उदय होते हैं, इस वजह से भी इनको पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य को ख़त्म करके फिर ये लोग नए नए छोटे राजवंश आ जाते हैं। जैसे कि आप मौर्योत्तर के बाद देखेंगे कि ब्राह्मण साम्राज्य आता है, फिर उसमें देखते हैं कि विदेशी शक, पल्लव, कुषाण ये सब रहते हैं, सातवाहन, तो ये सब रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्थिति बनती है, और फिर छोटे छोटे राज्यवंश यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। इस वजह से इनकी मतलब इनको पतन करके ही और इनसे स्वतंत्रता की घोषणा वगैरह कर देते हैं। और उत्तराधिकारी का निश्चित नियम का अभाव था, तो उत्तराधिकारी का निश्चित जो नियम होता था, तो ये हर एक जो वंश था या फिर हर एक जो साम्राज्य था उसमें उत्तराधिकारी का नियम सही नहीं होता था। तो उत्तराधिकारी जैसे राजा बनने के लिए वो अपने में ही लड़ते थे, तो भाई भाई लड़ता था, और फिर वो लोग जैसे स्टेट के ये पहले कोई भी रहते हैं तो स्टेट के राजा रहते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए पूरा साम्राज्य है तो वो उसको प्रांत में बांटा गया था, प्रांत के, और ये प्रांत के गवर्नर रहते हैं जो भी पुत्र रहते हैं राजा के, तो वो किसी किसी प्रांत के गवर्नर रहते हैं। जैसे देखते हैं कि राजा की मृत्यु होने वाली है ऊपर, तो फिर ये जो पुत्र रहते हैं ये लोग राजा बनने के लिए सब यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, और जाने की कोशिश जब करेंगे तो वो लोग अपने में फिर युद्ध करते हैं, तो फिर इससे होता है कि बहुत सारे सैनिक मरते हैं, आर्थिक क्षति होती है, जितने भी
बहुत सारे जो योग्य सैनिक वगैरह रहते हैं, सेनापति वगैरह, उनकी मृत्यु हो जाती है अपने में, राजा के पुत्र या फिर जो उनके भतीजे वगैरह होते हैं वो लोग लड़ते हैं जब शासन में जाने के लिए, राजा बनने के लिए, तो फिर इन लोगों की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, इकोनॉमिकली क्षति वगैरह होती है, तो इस वजह से भी बहुत सारे साम्राज्य पतन होते हैं और गुप्तों का भी इसी वजह से पतन हो जाता है। और आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण आप देखेंगे कि भूमि अनुदान के बाद प्रशासनिक अधिकार वगैरह दे देते थे और ये लोग राजा की शक्ति को ही चोट करने लगते थे। तो मैंने ये बता ही दिया कि जो सामंत वगैरह होते थे, तो अब धीरे धीरे जो ये पूरा साम्राज्य है इसमें सामंत धीरे धीरे बड़े हो जाते थे बहुत ज़्यादा, और फिर ये जो पूरा साम्राज्य यहाँ पे मान लीजिए जो सेंटर में राजा बैठा है उसको ये लोग चुनौती देने लगते थे। एक्सिस यहाँ पे ये लोग भ्रष्टाचार वगैरह हर एक चीज़ करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमा लेते थे यहाँ पे, और फिर ये लोग इतने पावरफुल हो जाते थे कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पे शासक कमजोर हुआ ये लोग इसको चैलेंज करने लगते थे, चैलेंज करने लगते थे। इस वजह से एक तो क्षति होती ही थी आर्थिक वगैरह की, अब यहाँ का ये पूरा टैक्स वगैरह वसूल रहे हैं तो इससे केंद्र धीरे धीरे मजबूत की जगह पे कमजोर हो ही रही है, और कमजोर होती है तो फिर यहाँ पे होता है कि ये लोग राजा की शक्ति पर चोट करते हैं और बाद में देखते हैं कि ये लोग अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे जो गुप्तों का पतन हो गया। और सामंती व्यवस्था मैंने अभी ये जो बता दिया 8वां पॉइंट, सामंती विद्रोह, सामंतवादी प्रथा, मतलब यहाँ पे अब जो बड़े बड़े सैनिक थे तो इनको बहुत ज़्यादा जमीन वगैरह मिल जाती थी, तो यहाँ पे देखेंगे कि उनको वेतन वगैरह के बदले में या फिर जो सैनिक रखे हैं थोड़ा बहुत तो उनके बदले में सरकार उनको पैसा देता था, सरकार पैसा देता था तो राजा उनको पैसा देता था, तो राजा पैसा देता था, फिर वो धीरे धीरे छोटा छोटा यहाँ पे आप देखेंगे कि सामंत हो जाते थे बहुत ज़्यादा इसमें, और ये लोग चोट करने लगते थे। जैसे कि मान लीजिए सामंत हुए हैं तो अब यहाँ पे जो इतने लगभग मान लीजिए 4 सामंत है तो ये चारों मिल जाएंगे और बोलेंगे कि क्यों ना हम जो राजा है वहाँ पे राजा को मृत्यु करके हम अपना एक नया साम्राज्य बना ले, तो एक में ये लोग मिलके फिर पूरे तरह से जो केंद्र में राजा रहता है उसको पलट देते हैं, पलट देते हैं, तो इस वजह से भी इनका सामंती व्यवस्था के कारण भी पतन हो जाता है गुप्तों का। तो ये इतना कारण है इस वजह से गुप्तों का पतन होता है। तो ये हमारा गुप्त पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में गुप्ता के पतन के बाद जो उत्तर गुप्त काल में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से वंश आते हैं यहाँ पे, और मेनली हम यहाँ पे देखेंगे जो पुष्यभूति वंश रहता है वो, और भी जो ये सब छोटे छोटे वंश हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये अगले वीडियो में आएगा। तो ये यहाँ पे गुप्त पीरियड आपका बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट हो गया, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले, तो आप देख सकते हैं उसमें जो भी चीज़ें देखनी होगी आपको या फिर जहाँ से और भी है बुक वगैरह वहाँ से भी देख सकते हैं, तो हर एक पॉइंट इसमें कवर कर दिया गया है। तो बस आप लोग इसको रिविजन करते हैं थोड़ा सा और इसको हो सके तो खुद से लिखने का कोशिश करें। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और ये आफ्टर गुप्ता पीरियड क्या क्या सिनेरियो बनता है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, और कौन से वंश आते हैं इसमें पावरफुल, तो ये चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश वगैरह के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, तो वो चीज़ें आपको इसमें चलेंगी, बस आप लोग इसको सीक्वेंस देखते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।